लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान की 25 सीटों में से 19 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसी कड़ी में जयपुर शहर से कांग्रेस ने पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्योति खंडेलवाल का मुकाबला भाजपा के रामचरण बोहरा से होगा, तो वहीं नाम फाइनल होने पर ज्योति खंडेलवाल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसके बाद आज सुबह ज्योति खंडेलवाल ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसी दौरान एवन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार भी प्रकट किया और साथ ही कहा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है उस पर वे खरा उतरेंगे। और इस दौरान ज्योति खंडेलवाल से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। चुनाव के लिए जयपुर शहर से कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्योति खंडेलवाल सुबह आज मंदिर पहुंची हैं। ज्योति जी, सबसे पहले एवन टीवी की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत किस विश्वास के साथ आप जनता के बीच जाएंगे, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया जयपुर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल साहब का, अविनाश पांडे जी का, विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं जयपुर की जनता के बीच भी इसी विश्वास और स्नेह के साथ जाऊंगी कि उन्होंने पूरा स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे पहले भी दिया है और मैंने भी जनता के हर सुख दुख में भागीदारी निभाई है, उनकी हर अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश की है, उनके साथ हर बात को लेकर के उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता मुझे पुनः बहुत आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, स्नेह देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ एक रामचरण बोहरा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी उन्होंने एक लंबी लीड के साथ 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की, कितनी चुनौती मानते हैं? मैं मानती हूँ, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत थी पिछली बार बीजेपी की और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है कि हम उस लीड को पार पाएं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी रामचरण बोहरा जी अपने आप में कोई उपलब्धि ना बता पाए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े, यह उनके सांसद की फेलियरनेस को अपने आप ही दर्शाता है। नहीं तो चर्चा होनी चाहिए उन्होंने जयपुर के लिए क्या किया, जयपुर के लिए उनके प्रयास क्या थे, जयपुर के लोगों के बीच में उनकी भागीदारी कितनी। मैं तो कहना चाहूंगी कि आए हम बात करें आपस में, एक दूसरे को कहें, बताएं जनता को कि उन्होंने क्या किया और मैंने मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा जनता के द्वारा क्या काम किए गए हैं, मैं जनता के साथ भागीदारी कैसे निभाई है, जनता अपने आप आकलन कर लेगी और मुझे लगता है यही होना चाहिए। केवल आप नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के अपनी गलतियों को, अपने जनता से हुए हुए दूरियों को छुपा नहीं सकते और मैं ये मानती हूँ कि निश्चित रूप से जयपुर की जनता इस फर्क को पहचानेगी और खासतौर से मेरे महिला प्रतिनिधियों से तो मेरा विशेष आग्रह भी है और मुझे पूरा विश्वास भी है क्योंकि मैंने हमेशा उनके कार्यक्रमों में, चाहे वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हो, चाहे समाज सेवा के प्रोग्राम हो, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम, मैंने बहुत भागीदारी उनके साथ निभाई है, हमेशा साथ रही हूँ, तो वो भी मुझे पूरा साथ देगी और जब आधी आबादी आपके साथ हो तो फिर बाकी आधी आबादी को साथ आना ही होता है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो नेशनलाइज मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जयपुर के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जयपुर शहर में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी जनता की योजनाएं हैं, जो राहत देने की योजनाएं हैं, जितने भी काम है, उसमें हर काम में आपको कांग्रेस का हाथ दिखाई देगा, चाहे वो घाटी उन्नी की टनल हो, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गुजर की थड़ी का अंडर पास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की पुलिया हो, चाहे संजय नगर बट्टा बस्ती का प्रोजेक्ट हो, चाहे पट्टे देने की बात हो, चाहे निःशुल्क दवाइयां हो, हर काम में आपको कांग्रेस का हाथ नजर आएगा। बीजेपी के पास ऐसा कुछ भी कहने को नहीं है कि उन्होंने जयपुर के लिए ये किया है, जयपुर को ये सौगात दी है, ऐसा एक भी काम बीजेपी नहीं दिखा सकती जिसका शिलान्यास उद्घाटन उन्होंने किया हो। तो मैं मानती हूँ कि जब आप जयपुर की जनता के बीच में विकास की बात को लेकर के नहीं जा सकते तो फिर जयपुर की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, किसे उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और वो उसी के अनुरूप, उस भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को वोट देगी जिसने जयपुर के लिए लगातार उसके विकास के लिए काम किए हैं, लगातार उसे आगे बढ़ाने का काम किया है और यहाँ से निश्चित रूप से कांग्रेस को लीड मिलेगी। 2009 के जो चुनाव थे उनमें आप मेयर चुने गए, सीधे कहे जा सकता है कि सीधे तौर पर जो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और उसमें आप एक मिनी लोकसभा का चुनाव आपने जीत हासिल की कही जा सकती है, साफ तौर पर आप लोकसभा के अब उम्मीदवार हैं, तो क्या मानते हैं जयपुर की जनता का वही प्यार और वही ज्योति खंडेलवाल कितना आशीर्वाद? मैं कहूंगी वो मिनी लोकसभा नहीं था, मेगा लोकसभा था क्योंकि वो लोकसभा से बड़ा चुनाव था और उसमें जयपुर की जनता ने खुल करके मुझे आशीर्वाद और साथ दिया है और मैं जनता के साथ जुड़ी रही हूँ, जयपुर के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं इसी बात के साथ जब जयपुर की जनता के बीच में जाऊँगी तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता पूरा सहयोग देगी, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ, हम सब साथ में आकर के जब चुनाव मैदान में उतरेंगे, पार्टी की मजबूती के साथ उतरेंगे, तो निश्चित रूप से बीजेपी को उसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किए, जो झूठे वादे किए, जो जुमले पड़े, लगातार जनता के साथ वादा खिलाफी करते रहे, केवल और केवल हवाई बातें करते रहे, उन सब का खामियाजाना जयपुर की जनता बीजेपी को जरूर देगी और उन्हें करारा जवाब देकर के भेजेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
तो ये थी ज्योति खंडेलवाल, जिनका कहना है कि मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन जो जयपुर लोकसभा क्षेत्र के शहर के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस की रीति नीति को भी जनता पसंद करती है और वही लाड दुलार प्यार जनता का आशीर्वाद ज्योति खंडेलवाल को मिलेगा और जयपुर से कांग्रेस की जीत हासिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल के साथ दिनेश कसाना, A1 न्यूज जयपुर।